बड़ा बड़ा मुंह होना है। 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट को लेकर अगर किसी को सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो डेली वेजर्स हैं। वो हर डिपार्टमेंट के डेली वेजर, विशेषकर पीएचई के डेली वेजर्स जो सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी को सबसे ज्यादा उम्मीदें किस प्रधानमंत्री की इस विजिट पर हैं कि वो अपने इस दौरे के दौरान जो एड्रेस करेंगे पब्लिक को, उस बीच में अगर कोई वो बात करते हैं तो शायद ये लोग सबसे ज़्यादा इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके बारे में कुछ वो कहें और इनकी जो परेशानियां हैं रेगुलराइजेशंस को लेकर और अन्य कई सारी समस्याएं हैं उनका फाइनल जो है एक सेटलमेंट हो सके, हल हो सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने बार बार कहा था कि अगर वो सत्ता में आती है तो हम सबसे पहले इनका हल करेंगे जो डेली वेजर्स हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी इनको रिलीफ नहीं मिला है। आज भी ये लोग लगातार प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करने पर मजबूर हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं होती। अब प्रधानमंत्री की विजिट 20 फरवरी को है, क्या उम्मीदें हैं इस पर इनसे खुद ही बातचीत करते हैं कि ये इस विजिट को लेकर क्या सोचते हैं। होशियार सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी की विजिट है और इस लोकसभा जो अभी मौजूदा लोकसभा है, इलेक्शन से पहले समझ लीजिए कि ये आखिरी विजिट है प्रधानमंत्री जी की जम्मू कश्मीर में। अगर कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं तो अभी कर सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। रही बात उम्मीद की, तो वाकया आपका कहना सच्चा है कि खासकर इस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से, तो उससे भी ऊपर बड़ी बात नरेंद्र भाई मोदी जी से बहुत उम्मीद और आस लगा के 61,000 मुलाजिम बैठा हुआ है 20 तारीख के लिए तैयारी के लिए। हमारे हित में कोई ना कोई फैसला आएगा जिसमें रेगुलेशन पॉलिसी का परमानेंट होने का मसला है। तो लगातार 600 दिन से अभाव हो गया हमारा प्रदर्शन चलते, हम सभी पार्टियों से ठगे ठगाए महसूस करते हैं, तो सभी पार्टियों ने छल कपट हमारे साथ किया है। आज बीजेपी के हाथ में एक गोल्डन चांस है, एक तो J&K से ये बदुआ मजदूरी ख़त्म करने का, दूसरा हम लोग जो हैं जो इस लगातार 30 साल से इस डिपार्टमेंट को सेवा दे रहे हैं, हम भी अच्छे ढंग से इस J&K स्टेट में अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें, ताकि हमारे बच्चे भी विकास के भागीदार बने, अच्छी पोस्टों में कहीं ना कहीं आए, तो वो भी इस विकास वाली जो धारा मोदी जी कहते हैं बह रही है उसमें वो भी काम करें, तो जम्मू की डेवलपमेंट में सहयोग बढ़ाएं। बिल्कुल, लेकिन हर सरकारें, पिछली सरकारों ने भी ये काफ़ी उम्मीदें आपको दी, कई एश्योरेंस आश्वासन दिए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आई इसने तो कहा कि बस आप एक बार हमें आने दीजिए केंद्र में और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, आपका मसला सबसे पहले प्रायोरिटी पर। लेकिन जैसे पहले झूठे आश्वासन होते थे वही आश्वासन आगे चले, क्या कहेंगे कि सरकार से अभी भी क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, पहली सरकारों ने तो धोखाधड़ी की हमसे, हम मानते हैं। बीजेपी और पीडीपी को, बीजेपी को लाया हमने 25 MLA बीजेपी के जम्मू से, जम्मू प्रोविंस से इनको जिता कर दिए, लेकिन इन्होंने एक स्टेप जरूर उठाया था कि SRO 520 एक लूला लंगड़ा सा SRO निकाला था, इन्होंने 520 उसको प्रमोट किया था, जिसमें कुछ लोगों को परमानेंट भी किया था, लेकिन आगे नहीं चल पाया। लेकिन आगे अगर नहीं चल पाया तो उसके बाद बीजेपी ने भी डेली वेजरों को ठगना शुरू कर दिया, जिससे आज हमारी ये हालत है कि हम 72 महीनों के बेजिस के पेंडिंग से बेजार हैं, हमें पेंडिंग नहीं मिल रहा है। हम जहां भी जाते हैं तो जवाब हो जाता है कि आपका कोई पेंडिंग नहीं है, लेकिन जो काम किया है उसका हम मेहनताना जरूर लेके रहेंगे। अगर पिछली सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है और बीजेपी भी अगर इसी राह पर चली तो इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आने वाली इलेक्शन में यही लोग इनको दिखा देंगे कि इनकी क्या जगह हो, पिछली सरकारों की क्या जगह थी और इनकी क्या है। जो पिछली सरकारों ने जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं उनकी कोई शक्ल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बीजेपी वाले जो जिताए थे उनको चाहिए कि वो सोचें और डेली वेजर की फेवर में निकले, नहीं तो आने वाले दिन आपके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होंगे। बिल्कुल, लेकिन जब भी प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, आपकी बातचीत कहीं आगे पहुंचती है, सरकारों पर थोड़ा दबाव बनता है, तो एक चीज सिर्फ देखते हैं कि थोड़ा सा बता देते हैं कि आपकी वेजेस को बढ़ा दिया जाता है
और फिर उसके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेना शुरू कर देती है कि देखो जी हमने इनके बेजिस तो कम से कम बढ़ा दिए हैं कि ये अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो इस तरह की टैक्टिक्स को कैसे देखते हैं आप? हमने लगभग जो आपका बेजिस था जो भी बात है, इस बात पे हमने 3-4 बार क्लियरफाई कर दिया है कि ये बेजिस इनकी उपलब्धि नहीं है, जो बेजिस बढ़ी है इनकी उपलब्धि नहीं है। समय समय पर ये रिवाइज होता है, तो कभी हम 3300 भी लेते थे, फिर 6700 पे आया, तो अब 9000 या 311 रुपये पर डे के हिसाब से है, उसमें इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर ये अपना दिखाना चाहते हैं जी कि इन्होंने डेली वेजर के साथ इंसाफ किया है, तो उसके लिए इनके पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे प्रायोरिटी पे बड़ा ऑप्शन है जी SRO 64 के तहत हमें रेगुलराइज करें। उसके बाद पेंडिंग वेजर हमारा कम से कम 7-7 साल का। उसके बाद दिल्ली ड्यूटी बने हुए लगभग 3-4 साल हो गए, 370 दफ़ा टूटने के बाद जब दिल्ली ड्यूटी में आया, तो हम दिल्ली ड्यूटी की मांग कर रहे हैं, जैसे उनको वेजेस दिया जाए डेली वैसे उसी तर्ज पर हमें भी ये मिलना चाहिए। उसके बाद अगर ये उसके वाह भाई लूटने के लिए कोशिश करते हैं तो बेशक करें, मगर अभी तक ये जीरो हैं, खासकर डेली वेजर के लिए। मतलब आप लोगों की जो उम्मीदें थी इनसे, फिलहाल उनके ऊपर ये पूरी तरह से जीरो हैं, असफल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न भी पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिस तरह से एजिटेशन की एक कॉल दी है चार मार्च में, एक ये एक प्रधानमंत्री जी की विजिट, एंड तीसरा ये है कि पहले ही हफ्ते में कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है, जहां तक खबरें आ रही हैं कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोड ऑफ कंडक्ट लगा देगा, तो इस सब बीच में क्या आपकी जो प्रस्तावित ये एजिटेशन होगी इस पर अब आपका क्या वो रहेगा, किस तरह का रुख रहेगा? शायद इसीलिए हम लगातार 600 दिन से प्रदर्शन पर हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ छल ना हो, कोई कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने से हम ठगे महसूस ना करें, तो इसलिए इस एजिटेशन को लगातार चलाए रखा है। 4 मार्च को उससे पहले अगर हमारे हित में फैसला आता है तो वो जो रैली रहेगी वो जिंदाबाद करने के लिए रहेगी। अगर 4 मार्च को हमारे लिए कुछ नहीं आता तो 4 मार्च को जो कार्यक्रम होगा उसकी चर्चा हम मीडिया में कर नहीं सकते, वो प्रशासन देखेगा। मरने जीने की सवाल है, मरना जीना तो वही 4 मार्च को मतलब अब डू और ढाई वाला सवाल आ गया है। निर्णायक जिसे कहते हैं कि निर्णायक मोड पर अब अपनी एजिटेशन को ये लाना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की विजिट से फिलहाल तो इनको बहुत उम्मीदें हैं कि वो आए अपने संबोधन में किसी न किसी तरह वो इस मामले को जो है इनके लिए एक रिलीफ लाएं और इनके मामले को सेटल करें। रेगुलराइजेशन वाला मामला जो है सेटल होना चाहिए, एक नहीं तो जो इनकी संभावित प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होने वाला, बड़ा एक आंदोलन होने वाला है जिसकी कि इन्होंने पहले भी कॉल दी है 4 मार्च को लेकर, उस पर जो है अपना विरोध प्रदर्शन जो है दिखाएंगे, ये इन्होंने फिलहाल यहाँ पर क्लियर कर दिया है। लेकिन अभी भी उम्मीद इन्हें अभी भी है कि प्रधानमंत्री जी अपने इस जम्मू के दौरे के दौरान ज़रूर इनके लिए कोई ना कोई खुशखबरी देंगे।